तमिलनाडु या तमिलों का भूमि भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और भारत उपमहाद्वीप का सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये पूर्व और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर में आंध्र प्रदेश से घिरा है। आज मैं यात्रा कर रहा हूँ इन्हीं खूबसूरत रेल मार्ग से, जहाँ आपको पहाड़ से लेकर नदी, झील, प्रमुख खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ ही में मेल एक्सप्रेस ट्रेन, वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन की क्रॉसिंग, जनरल कोच का सिचुएशन और स्लीपर कोच की फूड रिव्यू भी देखने को मिलेंगे। ट्रेन को बोर्ड करने से पहले मैं टेस्ट किया था ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड, तो चलिए वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलो रुपीस 100 में इतना सारा मिल ठीक है, हाँ भी ट्राई करते हैं कि कौन सा पहले खाओ। खास शुरू कर समझ नहीं आया, फिर भी पहले राइस सांभर से स्टार्ट। यहाँ का ट्रेडिशनल खाना जैसा मतलब आपको सजा के देगा ना, वैसा ही टेस्ट है, एकदम सुपर। तो मैं फटाफट खाना ख़त्म कर लेता हूँ इतना सारा, ठीक है, उसके बाद निकल के आप लोगों से बात करता हूँ। हेलो भाई, इधर से तो खा के निकल गया हूँ, अब स्टेशन के अंदर चलते हैं, देखते हैं अपना ट्रेन कहाँ पे लगा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए ट्रेन जर्नी में। अभी मैं हूँ तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन पे। तो तिरुचिरापल्ली में मेरा आज आखिरी दिन है और यही तमिलनाडु सफ़र का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग ट्रैवल करेंगे तिरुचिरापल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12664 तिरुचिरापल्ली हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। आई लव तिरुची। तिरुचिरापल्ली टाउन स्थित है कावेरी नदी के तट पे और तिरुची जाना जाता है अपना प्राचीन कलाकृति और संस्कृति के लिए। तिरुचिरापल्ली का श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है इस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, जो आज भी सक्रिय है, जहाँ पे आज भी पूजा होता है और ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। और भी इधर पे रॉकफोर्ट टेम्पल है, जहाँ पे शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश जी का पूजा होता है, जहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के आप लोग ऊपर चढ़ना पड़ता है। पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित यहाँ पे एक डैम है जो काफ़ी पॉपुलर है। और इधर पे एक मंदिर बहुत पॉपुलर है जम्मू का से शिव टेम्पल, जहाँ पे मैं विजिट नहीं कर पाया था, तो नेक्स्ट टाइम आया तो ज़रूर विजिट करूँगा। ये वाला मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। तो अभी टाइम हो रहा है 11:52, ट्रेन खुलने में अभी भी लगभग टाइम है, तो अंदर चल के एक ही बार आप लोगों से बात करते हैं। आ गया हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर और ये देखो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक फ़ोटो लगा है, देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरफ है रिटायरिंग रूम और हम लोग का ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लग चुकी है। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 1:35 पे तिरुचिरापल्ली जंक्शन से खुलती है और तीसरे दिन रात को 12:05 पे हम लोग को हावड़ा पहुंचाती है। जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है टोटल 2002 किलोमीटर, टाइम लेती है 34 घंटे 30 मिनट 23 हॉल्ट स्टेशन के साथ। और ये ट्रेन सुपर फास्ट कैटेगरी का है, इसलिए मैक्सिमम स्पीड रहता है 130 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज स्पीड रहेगा 58 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका स्टॉपेज बहुत सारा है। आज का हमारा लोकोमोटिव है WF7EDLS, कौन सा से लोको साइड है मेरे को नहीं पता, ठीक है, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बोलना। रेलवे का हिसाब से तिरुचिरापल्ली आता है साउदर्न रेलवे का तिरुचिरापल्ली डिवीजन में और स्टेशन कोड है TPJ। और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि इधर आके बहुत सारे लाइन से मिलती है। एक लाइन निकलता है तंजावुर और कुंभकोणम की तरफ, एक लाइन जाता है मादुरई की तरफ, एक लाइन निकलती है मनमादुरई की तरफ और एक लाइन आती है कारूर जंक्शन की तरफ से। और ये है अपना कोच S7। तो चलिए स्लीपर कोच के अंदर का इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अपना स्लीपर कोच, मेरा सीट नंबर है 15। चलो ढूंढते हैं, चलो ये सीट है अपना, बाकी भीड़ देखो। चलो अभी इस ट्रेन का वॉशरूम दिखा देता हूँ, देखो बेसिन में सबसे पानी प्रॉपर आ रहा है, मिरर बहुत ही क्लीन है, काफ़ी बड़ा है और ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट मिल जाएगा आप लोगों को। अंदर चलते हैं और इधर पे भी पानी तो चलो बराबर है, बहुत गर्म पानी है, मिरर बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ये क्या दिख गया भाई, छोड़ो। बाकी ये देखो इधर का काफ़ी क्लीन है, जेट स्प्रे मिल जाएगा आप लोगों को, पानी भी आ रहा है और फ्लश भी हो रहा है एकदम बराबर। ट्रेन खुलने में अभी भी लगभग 15 मिनट का टाइम बचा है और ये ट्रेन चलती है 23 कोचेस के साथ, जिसमें से 7 है स्लीपर कोच, 6 है थर्ड एसी, 1 है थर्ड एसी इकोनॉमी, 2 है सेकंड एसी, 1 है फर्स्ट और सेकंड एसी का मिला हुआ हाइब्रिड कोच, 2 जनरल कोच, 1 है पेंट्री कार और 1 आगे पार्सल वैन लगा हुआ है SLR और 1 EOG। अपना निर्धारित टाइम से 1 मिनट डिले 1:36 पे हम लोग का ट्रेन डिपार्चर हो रही है तिरुचिरापल्ली जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से।
11 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग आके पहुंचे इस ट्रेन का पहला हॉल्ट स्टेशन श्रीरंगम। श्रीरंगम में स्थित है श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल, इधर से एकदम नियरेस्ट 500 मीटर्स के अंदर ही है। तो आप लोग ये वाला रेलवे स्टेशन से भी उतर के जा सकते हो, मतलब अगर हावड़ा या दिल्ली साइड से आप लोग आते हो तो श्रीरंगम में उतर के आप लोगों को इजी होगा श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल में जाने के लिए। एक बार मेरे साथ सबको ही बोल दीजिए गोविंदा गोविंदा। तो इधर पे ट्रेन का हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का है, तो अभी डिपार्चर हो जाएगा हम लोग का ट्रेन। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, और ये वाला मंदिर इतना बड़ा है मतलब वेटिकन सिटी से भी ज़्यादा बड़ा है। डिपार्चर हो रहा है श्रीरंगम रेलवे स्टेशन से। ट्रेन से श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल दिखता है, लेकिन ये पेड़ इतना है ना, इसको वैसे कैमरा में कैप्चर नहीं किया जा सकता। अगर नॉर्मली जैसे हम लोग ट्रेन में अभी खड़े हैं गेट के पास, तो इजीली हम लोग देख सकते हैं। हम लोग अभी आके पहुँचे हैं आर्यलूर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन चोला साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हुआ करता था। आर्यलूर फेमस है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे मतलब 7 सीमेंट फैक्ट्री है और 2 चीनी की फैक्ट्री है। हम लोग अभी आके पहुँचे हैं वृद्धांचलम जंक्शन। स्टेशन कोड है VRI। जंक्शन है इस क्योंकि इधर से एक लाइन जाएगा विल्लुपुरम की तरफ, एक लाइन जाता है कुडलोरे पोर्ट की तरफ, और सलेम जंक्शन की तरफ भी एक लाइन जाता है। वृद्धांचलम अपना सिरेमिक उद्योग के लिए जाना जाता है, और वृद्धांचलम में विरुद्धगिरी माउंटेन, जिसके लिए भी वृद्धांचलम काफ़ी फेमस है। और इधर का अंगलम्मा कोविल टेम्पल ये भी काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर आप लोग आकर विजिट कर सकते हो। हम लोग अभी आके पहुँचे हैं विल्लुपुरम जंक्शन। स्टेशन कोड है VM। इधर से मेन लाइन जाता है चेन्नई की तरफ जहाँ हम लोग जाएंगे, और एक लाइन जाता है पुदुचेरी की तरफ, और काटपाड़ी की तरफ भी एक लाइन निकलती है इधर से। हम लोगों का ट्रेन एकदम ऑन टाइम ही है, 4:10 पे टाइम था तो 4:10 पे ही आया। विल्लुपुरम से हम लोग का ट्रेन डिपार्चर हो रहा है। विल्लुपुरम फेमस है जिंजी फोर्ट के लिए, जो विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजाओं ने बनाया था। और जिंजी फोर्ट को सेंजी फोर्ट भी बोला जाता है। देखिए हम लोग का स्लीपर कोच जनरल बन गया, थोड़ा साइड किया। Thank you.
लोग डिपार्चर कर रहे हैं छिंगलपट्टी जंक्शन, क्योंकि एक लाइन जाता है अराकोनम होकर बेंगलोर की तरफ और एक लाइन जाएगा तंबरम की तरफ, जिसमें हम लोग जाएंगे। छिंगलपट्टी काफ़ी प्राचीन शहर है, प्राचीन स्मारक, मंदिर, फिर नौका विहार, पोर्ट, ये सब के लिए जाना जाता है। छिंगलपट्टी में है कोलाभाई लेक, जहाँ आप लोग अगर विजिट कर सकते हो। ये दूर में जो पहाड़ दिख रहा है वही है कोलाभाई लेक, ठीक है, बहुत खूबसूरत, एकदम स्टेशन के पास ही है। कोलाभाई लेक क्या खूबसूरत लग रहा है, वाओ। फिलहाल आके पहुंचे हैं तांबरम रेलवे स्टेशन पे। 13वीं शताब्दी में एक शिलालेख में इस शहर का नाम तामापुरम पाया गया था, तब से इस शहर का नाम रखा गया तांबरम। रेलवेज का हिसाब से हम लोग आके पहुंचे हैं साउदर्न रेलवेज का चेन्नई डिवीजन में, और तांबरम का स्टेशन कोड है TMB। इधर से भी काफ़ी लोकल ट्रेन चलती है चेन्नई बीच के लिए। जर्नी करने के बाद हम लोग आके पहुंचे हैं तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई पे। तो चेन्नई का एग्मोर रेलवे स्टेशन पे हम लोग का ट्रेन अभी आया 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन आने का टाइम था 6:50 पे, बिल्कुल ऑन टाइम हमारे ट्रेन है, टाइमिंग को अच्छा मेंटेन किया। चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, स्टेशन कोड है MS। इस स्टेशन का पहले का नाम था मद्रास एग्मोर। अपनी ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन इधर से डिपार्चर होगा 7:10 में। और देखिए इधर पे आप लोगों को स्टॉल्स मिल जाएगा और बिरयानी भी मिल जाएगा रात का खाने के लिए। इस स्टॉल पे बिस्किट का पैकेट में बिस्कुट का सेप भी देखिए मंदिर जैसा है, ऐसी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। ले लीजिए 20। अपने निर्धारित टाइम पे ट्रेन डिपार्चर हुआ है 7:10 में पूरा। और रेलवे स्टेशन देख सकते कितना बड़ा है, केवल रेलवे स्टेशन पे 11 प्लेटफॉर्म्स हैं। चेन्नई से निकलने के बाद नॉनस्टॉप 180 किलोमीटर रन करके हम लोग का ट्रेन सीधा जाके रुकेगा आंध्र प्रदेश का निल्लोर रेलवे स्टेशन पे। तो तब तक बीच में कोई स्टॉप नहीं है और रात का टाइम है, हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तमिलनाडु से डायरेक्ट आंध्र प्रदेश। और भीड़ देखिए जनरल कोच का, भीड़ देखिए
और ये अपना स्लीपर कोच आज खाली खाली इसलिए है क्योंकि इधर का टीटी और आरपीएफ लोग जो अनऑथराइज्ड पैसेंजर है ना वो लोगों को पूरा हटाए, इसलिए इतना खाली खाली लग रहा है। आके बैठ गया हूँ अपना सीट पे। अभी निल्लौर आने में 3 घंटा का टाइम है, 180 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो निल्लौर पे ही मिलेंगे। चेन्नई बीच रेलवे स्टेशन, ताम्बरम से चेन्नई बीच तक ही सावरमन लोकल चलती है। ये देखो खड़ी हुई है, निकल गया। बाकी दो लाइन से ट्रेन टर्मिनेट होता है, बस लोकल ट्रेन। ये 4 नंबर जो प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, यही वाला कनेक्शन होगा, रोएपुरम होके निल्लौर की तरफ जाएगा। ये आ रहा कन्याकुमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से। स्लीपर भी जनरल बन गया इस ट्रेन का। देखो बहुत बुरा हालत है स्लीपर कोच का, जनरल का तो छोड़ ही दो। इस ट्रेन का पैंट्री से आ गया मेरा रात का खाना, स्टैंडर्ड चिकन थाली, तो 130 का पड़ा है। तो 160 बोल रहा था, बहुत बहस करके 130 मैं जब बोला तब मेरा कैमरा देख के बोला ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या दिया, देख लो खाने में क्या क्या है। राइस स्टैंडर्ड है बोल के भाई इतना सा दिया, एकदम स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। और बाकी इधर दाल है और काफ़ी घना है, और एक चिकन का बड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन इसमें दही पिकल ये सब नहीं दिया है, चम्मच भी नहीं दिया दाल के साथ। दाल अच्छा है, बिल्कुल सब्जी जैसा लग रहा है, खाना अच्छा है, लेकिन नहीं कि हमको दही नहीं दिया, मीठे में कुछ नहीं दिया। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा चिकन है। मैं फटाफट ये सारा खाना ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। पाँच सौ 16 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं निल्लौर, आंध्र प्रदेश का निल्लौर रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल ऑन टाइम है। 10:38 टाइम था आने का, तो 10:37 पे ट्रेन आ गया। निल्लौर शहर पेन्ना नदी के तट पे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश का चौथा बड़ा शहर है। हम लोग का ट्रेन निल्लौर से डिपर्चर हो गया, और निल्लौर फेमस है श्रीहरिकोटा जो रॉकेट लॉन्चिंग का घर है, और ये जगह कहीं मंदिर के साथ कनेक्टेड है। और 13वीं शताब्दी में निल्लौर का नाम विक्रम सिंहपुरी हुआ करता था। निल्लौर का पेन्ना नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखो स्लीपर कोच में ब्लू वाला लाइट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। सब कोई सो चुका है और मैं आप लोगों का ओंगल कवर करके ही सोने जाऊंगा। हम लोग फिलहाल आ चुके हैं ओंगल रेलवे स्टेशन, और ट्रेन 17 मिनट डिले यहाँ पे पहुँचा है। ओंगल आता है रेलवे के हिसाब से साउथ कोस्ट रेलवे का विजयवाड़ा डिवीजन पे, और ओंगल स्थित है आंध्र प्रदेश का प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट पे। ओंगल स्पेशली जाना जाता है ओंगल कैटल के लिए, तो ओंगल का इधर गैया का बछड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरा इंडिया में। ओंगल से डिपर्चर होने के बाद मैं सीधा आकर बैठ गया हूँ मेरा सीट पे, क्योंकि बहुत रात हो रहा है, और अगला स्टेशन आएगा विजयवाड़ा जंक्शन रात को 2:11 पे। तो अभी सो जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स लगभग सो गए हैं कोच का, और मैं एक ही बार आप लोगों से मिलूंगा सुबह विशाखापट्टनम जंक्शन पे। हम
तो आप तो स्किप करेंगे विजयवाड़ा, इलोरू, राजामुंड्री जैसे रेलवे स्टेशन। तो तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, एक ही बार मिलते हैं सुबह। पहुंचे आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जंक्शन पे। इस रेलवे स्टेशन का पहले का नाम था वाल्टर रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे का हिसाब से आता है साउथ कोस्ट रेलवे का वाल्टर डिवीजन में। स्टेशन कोड है VSKP और हम लोग का ट्रेन का इधर पे 20 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि हम लोग का लोको अभी रिवर्सल होगा। अभी लगेगा YF4 सादरा गाजी शेड का। ट्रेन अपना निर्धारित टाइम से बहुत लेट है, 20 मिनट। विशाखापट्टनम जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि इधर से मेन लाइन निकलेगा खुर्दा रोड जंक्शन होके हावड़ा की तरफ और एक लाइन यहाँ से जाता है किरंदुल की तरफ। विशाखापट्टनम इंडिया का सबसे पुराने बंदर शहर में से एक है और ये शहर जाना जाता है अपना समुद्र तटों के लिए। यहाँ का यारदा सी बीच और कौन सा बीच भैया? आरके बीच भैया। आरके बीच यहाँ का पॉपुलर बीच है, ठीक है। और इधर आप सिमल जल मंदिर भी है इधर, अच्छा मंदिर है। परिचय? हमारा उड़ीसा है, हमारा आज का एरिया से इधर आए कमीशन के लिए, हम काम कर रहे हैं, बिरयानी बेच रहे हैं। चलो अच्छा बात है, इधर पे खाने की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगा, बिरयानी बोलो फिर नाश्ता मील बोलो। हाँ भाई, गरम गरम चाय, बिरयानी खाना, चाय सब कुछ मिलता है भाई। ये है भैया का बिरयानी, क्या क्या है भैया? चिकन बिरयानी है, टिक्का बिरयानी है, अंडा भात। भाई हमारा ये सीनियर बॉय है, हमारा उड़ीसा से जितना आदमी बुलाया 30-40 आदमी, ये हमारा सीनियर बॉय बुलाया है। इनको इनको मैं बहुत रेस्पेक्ट दे रहा हूँ। क्या क्या है? मछली भात है, अंडा भात है, सादा भात है, चिकन बिरयानी है, अंडा बिरयानी है, लेमन राइस है और दही राइस है। ओके चलो बहुत बढ़िया, सब पैसेंजर लोगों को इधर से खाने को मिल जाएगा, ठीक है। दोपहर का लंच इजीली हो जाएगा। चलो भाई अब थोड़ा जनरल कोच का हालत फिर से दिखा देता हूँ। विशाखापट्टनम जंक्शन के बाद हालत काफी बुरा हुआ है। मिल रहा है आइसक्रीम, देखो भीड़ भाई जनरल का। अरे मधुमक्खी का छत्ता मच रहा है, मधुमक्खी नहीं दिख रहा, डब्बा है, थोड़ा साइड।
बहुत मुश्किल से मैं आया। अपने निर्धारित टाइम से 30 मिनट डिले करके डिपर्चर हो रहा है विशाखापट्टनम जंक्शन से, तो टाइम था 9:10 में डिपर्चर होने का, लेकिन ट्रेन डिपर्चर हो रहा है 9:40। खूबसूरती देखो बस इस लोकेशन का, मेरे को ये वाला लोकेशन बहुत पसंद है। और ये देखो विशाखापट्टनम लोको शेड का सब वेब 7 लोकोमोटिव। ये विजयवाड़ा सेट का है। हम लोग अभी आके पहुँचे हैं विजयनगरम जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसलिए है कि इधर से एक लाइन अलग होता है टिटलागढ़ होकर झारसुगड़ा के लिए। हमारी ट्रेन का विजयनगरम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का आखिरी रेलवे स्टेशन है, और विजयनगरम फेमस है विजयनगरम फोर्ट के लिए, जहाँ पे हनुमान जी और लक्ष्मी माता का पूजा होता है। कहते हैं कि लक्ष्मी माता हनुमान जी विजयनगरम शहर की रक्षा करते हैं। डिपर्चर हो गया विजयनगरम जंक्शन से, अगला स्टेशन है ब्रह्मपुर जो कि आता है ओडिशा स्टेट में। हम लोग फिलहाल आ चुके हैं ओडिशा स्टेट का गंजम डिस्ट्रिक्ट का ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन, जो कि फेमस है सिल्क साड़ी के लिए, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। डिपर्चर हो रहा है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से, अगला स्टेशन आएगा खुर्दा रोड जंक्शन।
1546 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग का ट्रेन आके पहुंचा है खुर्दा रोड जंक्शन पे, और हम लोग का ट्रेन 45 मिनट डिले चल रहा है। खुर्दा रोड जंक्शन पॉइंट है, इधर से एक लाइन पूरी की तरफ अलग हो रहा है और हावड़ा वाला मेन लाइन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी आ चुके हैं ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर सबसे फेमस है लिंगराज टेम्पल के लिए। और भी इधर कई सारे टेम्पल हैं, जैसे मुकुटेश्वर टेम्पल, राजा रानी टेम्पल। भुवनेश्वर में 500 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल होने की वजह से भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। हैं ओडिशा के पूर्व राजधानी कटक जंक्शन पे। जंक्शन इसलिए क्योंकि इधर से एक लाइन अलग होता है संबलपुर जाने के लिए, और एक लाइन जाएगा हावड़ा मेन लाइन, जहां हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का ट्रेन डिपार्चर हो गया कटक जंक्शन से, अभी हम लोग भद्रक और जजपुर को स्किप करके सीधा मिलेंगे बालेश्वर में। हम लोग पहुंचे ईस्ट ट्रेन का ओडिशा स्टेट में लास्ट स्टॉपेज बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे। बालेश्वर में जाना जाता है पंचलिंगेश्वर टेंपल के लिए, जो शिव भगवान को अर्पित है। आप लोग आके विजिट कर सकते हो। पानी पानी।
डिपर्चर हो गया बालेश्वर रेलवे स्टेशन से। अब की बार हम लोग सीधा जाके रुकेंगे वेस्ट बंगाल का खड़गपुर जंक्शन पे। किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग आके पहुंचे खड़गपुर जंक्शन। हमारे ट्रेन का खड़गपुर जंक्शन आने का टाइम था 9:38 पे, लेकिन ट्रेन आया 10:08 पे, तो 30 मिनट डिले हुआ है। अभी हावड़ा जाते जाते भी शायद 30 से 40 मिनट ही डिले रहेगा। उतर गया हूँ खड़गपुर जंक्शन पे, क्योंकि खड़गपुर जंक्शन मेरा होम टाउन है और हावड़ा पहुँचे तो पहुँचा तो ये ट्रेन रात को 12 बजा देगा, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो कंटिन्यू जर्नीस कर रहा हूँ। मेरा बहुत इच्छा था कि हावड़ा तक जर्नी करूँ, लेकिन अब शायद किस्मत में हावड़ा तक जर्नी आज का नहीं लिखा है, तो इसीलिए खड़गपुर पे उतर गया हूँ। बाकी खड़गपुर फेमस है IIT खड़गपुर के लिए, और खड़गपुर जंक्शन पॉइंट है A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट बिकॉज हावड़ा मुंबई मेन लाइन, फिर हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, और एक लाइन जाता है आगरा की तरफ। तो अभी ट्रेन खड़गपुर जंक्शन पे 5 मिनट बाद निकल जाएगा, और ट्रेन तो ऑलरेडी 30 मिनट डिले पहुंचा है। तो चलिए बाकी बात खड़गपुर जंक्शन के बाहर चल के करते हैं। चलो खड़गपुर जंक्शन से तो बाहर आ गया, मेरा फ्रेंड आ गया लेने, और वीडियो आप लोग बताना कैसा हुआ। ठीक है भाई, 1900 किलोमीटर जर्नी किया, इसका वजह से एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और आप लोग बोलो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ देखना चाहते हो। देखो खड़गपुर सिटी पूरा अंधेरा हो चुका है। ठीक है, अभी रात 10:30 होने जा रहा है, तो तब तक के लिए अलविदा। ऐसे ही मिलूँगा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ।